हम आ चुके हैं मेहरौली ओलिया मस्जिद, इससे हल्का सा दूरी है। मेहरौली में जहाँ करता था फूल वाले शहर का वो गुम्बद, जिस जगह पर कव्वाली वगैरह होती है, मैं उसी जगह जा रहा हूँ। मेहरौली मेन मार्केट में यहाँ सारा सामान मिलेगा। मैं थोड़ा अभी इसके एंट्री गेट पे जा रहा हूँ जहाँ इसकी इसकी शुरुआत है। एंट्री गेट वीडियो शुरू होने से पहले मैं जाज महल की कुछ खास बातें बता दूं। दिल्ली के मेहरौली में मौजूद यह जाज महल आसपास के इलाकों में बेहद ही फेमस है। इस महल का नाम जाज महल इसलिए पड़ा क्योंकि मेहरौली में होजे शमसी पानी यानी इस महल को एक झील के पास बनवाया गया था जो कि अब शमसी तालाब के नाम से मशहूर है। इस महल को तालाब के दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये एक समुद्री जहाज लगा करता था, इस कारण इस महल का नाम जहाज महल रख दिया गया क्योंकि अगल बगल तालाब और ये एक बीच में समुद्री जहाज की तरह दिखता था, इसलिए इस महल का नाम जहाज महल रख दिया गया था। इस महल का निर्माण लोधी राजवंश के समय में हुआ था, लगभग 1452 से 1526 के बीच आसपास किए गया था। कहा जाता है कि इस महल का निर्माण खुशी के पल बिताने की धर्मशाला के रूप में किया गया था। इस महल को धर्मशाला के रूप में इस्तेमाल करा जाता था लगभग 1452 से 1526 के बीच। इस महल के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए अफगानिस्तान, अरब, ईरान, इराक, मुरक्का और तुर्की से बड़े संख्या में तीर्थ यात्री को आराम करने के लिए निर्माण। बाहर से देखने में तो बहुत खूबसूरत, बाकी अंदर जाके देखते कैसा है महल। ये जो बने हुए द्वार यही तीर्थ यात्री इसी में रुका करते थे, जो बाहर से आया करते थे तीर्थ यात्रा पे मुस्लिम यात्री, उनको यहाँ ठहराया जाता था, यहाँ पे उनकी सेवा की जाती है। यह एरिया बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ यहाँ कई सारे लोग एक साथ रुक सकते हैं, लेकिन आज के समय में यहाँ हर साल एक शो करवाया जाता है जिसे फूल वालों की शहर कहते हैं। बाकी ये जो ये खाली जगह दिख रही है, इस जगह पे स्टेज लगता है और स्टेज सेटिंग कर देते हैं पूरी, और स्टेज के साथ साथ फिर इसके ऊपर कव्वाली या कोई शो वगैरह होते रहते हैं हर साल की तरह। और ये पूरा जाज महल का व्यू, जब इसका डेकोरेशन हो जाता है तो ये एकदम मस्त, बहुत अच्छा खूबसूरत दिखता है। अब एक वीडियो जब यहाँ मेला लगा करेगा, जब फूल वाले शहर का मेला लगता है तब बनाया जाएगा आगे दिखाने के लिए। बाकी इसके साथ मैं अभी ऊपर चढ़ के देखता हूँ ऊपर क्या, इसके ऊपर से कैसा व्यू आता है। चढ़ रही है यहाँ से सीढ़ी, ये रही है सीढ़ी जा रही है, सीढ़ी जा रही है ऊपर, सीढ़ी पे चढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ, लग रहा है कभी मेहरौली के जाज महल में घूमने के लिए। बाकी मैं तुम्हें दिखा दूँ और कैसा लग रहा है। ये है मस्त जगह, अब उस तरफ जाके देखते हैं उस तरफ क्या है। उस तरफ जाके देखेंगे उस तरफ क्या है, यहाँ तेरा गुम्बद। ये रही भाई सुरंग, सुरंग जा रही, सुरंग खुफिया रास्ता, इसके अंदर देखता हूँ क्या है, इस गुफा में है क्या। डर लग रहा है भाई अंदर जाने में। डर लग रहा है भाई, मैं तो ना जा रहा अंदर। अंदर गुफा वुफा है कुछ, अंदर जाने से भाई बहुत तो कुछ भी मिल सकता है, सांप कीड़े वगैरह, भाई डर लग रहा है इसलिए मैं जा रहा नहीं। अंदर है क्या वैसे, यहाँ से देख लें
जूम करके वह अंधेरा अंधेरा दिख रहा है अंदर तो, इसलिए मैं अंदर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा, बाकी दूसरी तरफ जाके देखता हूँ कैसा भी। मैं चढ़ गया हूँ महल के ऊपर, अब यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा पूरा नेचर, मैं पहले वहाँ खड़ा था, वहाँ जो आदमी खड़ा हुआ है मैं वहाँ खड़ा हुआ था पहले, वहाँ से मैं फिर यहाँ से आया हूँ, रास्ता यहाँ से एंट्री एंट्री चढ़ते साथ फिर उस कोने में एकदम उस कोने में वो सीढ़ी सीढ़ी से ऊपर चढ़े, फिर यहाँ से यहाँ यहाँ आया, फिर यहाँ एक सुरंग है, अंदर काफ़ी अंदर जा रहा रास्ता, इसलिए मैं अंदर नहीं गया क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, सांप कीड़े मधुमक्खी या उड़ रही थी तो मेरे को काट बट रहा है, इसलिए मैं आ गया। बाकी यहाँ ये रहा, यहाँ से नीचे दिखाता हूँ नीचे कितना गहरा है, देखो नीचे नीचे कम से कम है 3 मंजिल से 4 मंजिल नीचे। बाकी ये रहा 1, 2, 3, 4, 5 गुम्बट है, 5 गुम्बट है इसके ऊपर, पता नहीं कैसे बनाया हुआ ये गुम्बट। बाकी इस तरफ दिखाता नीचे, तो इन पेड़ों के जस्ट पीछे ही शमसी तालाब है जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ और शमसी तालाब की कुछ खास बातें बताता हूँ। और यह तालाब इस तरीके का है, देखो तालाब का मैंने वीडियो में जिक्र करा, वो तालाब में आ चुका हूँ, उस तालाब के गेट के पास मैं दिखाता हूँ वहाँ की एंट्री कैसी है और ये तालाब कैसा है। ये वो तालाब का गेट है जहाँ से एंट्री होती है तालाब की, और ये कुछ गुम्बट बना रहा है, ये गुम्बट, ये जो आप गुम्बट देख रहे हैं इस गुम्बट का तालाब दिखा दूँ आपको, तालाब ऐसे किया जाता था, इस गुम्बट को मंडप बना दिया जाता था और इस गुम्बट के पास ही शादी वगैरह होया करती थी। इस तालाब को हौज या शमसी कहा जाता था, आज के टाइम में यह तालाब शमसी तालाब के नाम से जाना जाता है। तालाब को 1230 में गुलाम वंश के इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। देखो इस गुम्बट, ये रहा मैं फिर भी नीचे उतरता हूँ और पानी के पास जाता हूँ, ये है शमसी तालाब, ये है पानी, काफी बड़ा तालाब है ये, और ये रहा वो पेड़, ये रहा वो पेड़ जहाँ मैं कह रहा था इसके पीछे तालाब है, मैं वहाँ जहाज महल के अंदर था, और यहाँ ये मछुआरा ये मछली पकड़ रहे हैं। अब आपको फारसी लेखक अब्दुल हक देवली की कबर के पास ले जाता हूं। 17वीं सदी के फारसी लेखक अब्दुल हक देवली का मकबरा, ये मकबरा शमसी तालाब और जहाज महल के बीच में है, ये काफ़ी पुराना मकबरा जो कि अब यहाँ देखभाल नहीं हो रही और साफ सफाई नहीं है, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा ये मकबरा है या ऐसे ही बना रखा है, लेकिन यहाँ का बोर्ड तोड़ दिया गया है। यहाँ पहले मकबरा एक गुम्बद टाइप का बना हुआ था जो कि समय के साथ साथ दीवार कमजोर होने के कारण ये सारे गिर गई। ये है शमसी तालाब, इसी से जुड़ी हुई है जहाज महल की कई सारी कहानियाँ, जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया। बाकी आप सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।